हम वरुधिनिये एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विष्णु जी के वराह रूप को जिसमें ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं। हम वरुधिनिये एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विष्णु जी के वराह रूप को जिसमें ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति हो स्वर्ग लोक की प्राप्ति, इस व्रत में इतनी शक्ति हो स्वर्ग लोक की प्राप्ति। प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा सुनाएंगे। भक्त जनों, इस एकादशी को वरुधिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। भक्त जनों, इस व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के बराबर होता है। इस व्रत के करने से भक्त सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर निवास करते हैं। तो आइए भक्त जनों, सुनते हैं वरुधिनी एकादशी व्रत की ये परम कल्याणकारी कथा। है महाभारत काल की बात ये भक्तों तुम्हें बताए। श्री कृष्णा के पास युधिष्ठिर एक बार जब आए, आकर के सादर प्रणाम युधिष्ठिर ने किया है। आदर और सत्कार कृष्णा ने भी उनका किया है। फिर तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से प्रश्न एक है किया, बैसाख मास बड़ा पावन कृष्णा अब तो लग ही गया। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी जो आए, व्रत कथा और महत्म है कृष्णा जी मुझे सुनाए। क्योंकि सदा ही आप हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विष्णु जी के वराह रूप को जिसमें ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति हो स्वर्ग लोक की प्राप्ति, इस व्रत में इतनी शक्ति हो स्वर्ग लोक की प्राप्ति। प्रिय भक्त जनों, युधिष्ठिर ने आकर कहा, हे कृष्णा, आप सदा ही हम पांडवों का मार्गदर्शन करते हैं। आपने कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाई जिसका महात्म आपने विस्तार पूर्वक हमें बताया, और हम सभी भाइयों ने कामदा एकादशी का व्रत भी किया। अब वैशाख मास लग गया है, कृपया मुझे कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा और महात्म सुनाएं, ताकि हम इस एकादशी व्रत को करके पुण्य प्राप्त करें। श्री कृष्णा कहने लगे, हे युधिष्ठिर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुधिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत को करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका महत्व बताऊंगा, जो ध्यान पूर्वक सुनो। वरुधिनी एकादशी व्रत को जो भी करते हैं, विष्णु जी के वराह रूप का नाम सुमिरते हैं। जीवन भर के लिए है मिलती हर एक भय मुक्ति, पाप नष्ट हो जाते हैं सब और हो मोक्ष की प्राप्ति। यदि अभागिनी स्त्री भी कोई इसको कर ले, विष्णु जी होते हैं प्रसन्न और उसे सौभाग्य मिले। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में करे स्वर्ण जो दान, वरुधिनी एकादशी व्रत का फल है उसके समान। लोक और परलोक ये दोनों सुधर ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
विष्णु जी के वराह रूप को जिसमें ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति हो स्वर्ग लोक की प्राप्ति, इस व्रत में इतनी शक्ति हो स्वर्ग लोक की प्राप्ति। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि दान श्रेष्ठ है, भूमि दान से तिलों का दान एवं तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण दान से अन्न का दान श्रेष्ठ माना जाता है। अन्न दान से पितर, देवता और मनुष्य तीनों ही तृप्त होते हैं। शास्त्रों में अन्न को कन्या दान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान और कन्या दान दोनों के बराबर फल प्राप्त होता है। कन्या दान और अन्न का दान ही होता उत्तम है, वरुथनी एकादशी व्रत का फल उनके सम है। प्रेम और श्रद्धा पूर्वक जो कन्या दान करते हैं, चित्रगुप्त भी उनके पुण्य को ना लिख सकते हैं। और वरुथिनी एकादश व्रत भी कन्या दान के समान, व्रत करने से प्रसन्न होते श्री विष्णु भगवान। विधि विधान से वरुथिनी एकादशी व्रत जो करे, चोरी चुगली निंदा मिथ्या बोलने से भी डरे। अंत समय में विष्णु दूत उन्हें लेने आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विष्णु जी के वराह रूप को जिसमें ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, श्री कृष्ण वरुथनी एकादशी व्रत का महात्म बताते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, वरुथनी एकादशी व्रत करने वाले भक्त को चोरी चुगली और निंदा करने से बचना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न का सेवन वर्जित होता है। भक्तों को एक बार ही फलाहार करना चाहिए, यौम स्त्री प्रसंग से भी बचना चाहिए। हे राजन, जो भक्त विधिवत एकादशी व्रत करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगा। व्रत करने वाले भक्त को पूजा पाठ के पश्चात ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। जो लोग व्रत नहीं करते उनके लिए भी कथा सुनना बड़ा ही कल्याणकारी है। सुनो युधिष्ठिर, किस्सा है प्राचीन काल का। नर्मदा नदी के तट के किनारे एक नगर है हुआ। राजा मांधाता उस नगर में अपना राज चलाते, दानशील और बड़े तपस्वी वो तो कहलाते। प्रजा बड़ी खुशहाल थी सारी उनके नगर में रह के, ब्राह्मण और साधुओं का वो सदा ही आदर करते। उचित न्याय करते थे जो भी फरियादी आए, राज धर्म और मानव धर्म वो दोनों साथ निभाए। करने तपस्या एक बार वन में चले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विष्णु जी के वराह रूप को जिसमें ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति हो स्वर्ग लोक की प्राप्ति, इस व्रत में इतनी शक्ति हो स्वर्ग लोक की प्राप्ति। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, राजा मांधाता बड़े ही धर्मपरायण थे
सदैव ब्राह्मण और साधुओं का आदर सत्कार करते थे व प्रजावासियों के हितों की रक्षा करते थे। पुण्य कर्म करने वालों को उचित पुरस्कार एवं पाप कर्म करने वालों को दंड भी देते थे। स्वयं राजा मानधाता विष्णु भक्त थे। एक बार वो अपने पुत्र को राजपाट सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं और घनघोर जंगल में एकांतवास देखकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। एक बार राजा मानधाता ने तप करना चाहा, वन में आकर विष्णु भक्ति में है ध्यान लगाया। राजा मानधाता तो जब थे लीन तपस्या में, एक भालू उनके पास आ गया कहां से ना जाने। आकर राजा मानधाता का पांव चबाने लगा, दर्द बड़ा राजा मानधाता को जिससे है हुआ। राजा मानधाता तो लेकिन ऐसे थे दयालु, नहीं हटाया आधे पांव खा गया है भालू। किंतु पीड़ा सहन नहीं अब वो कर पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं विष्णु जी के वराह रूप को जिसमें ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं इस व्रत में इतनी शक्ति हो स्वर्ग लोक की प्राप्ति, इस व्रत में इतनी शक्ति हो स्वर्ग लोक की प्राप्ति। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, राजा मानधाता ने उस भालू पर क्रोध नहीं किया और तपस्या में लीन रहे, किंतु जब भालू ने उनके पांव चबाना नहीं छोड़ा तो उनको बड़ी ही पीड़ा होने लगी और तपस्या से उनका ध्यान भंग हो गया। पर उन्होंने भालू पर क्रोध करना उचित नहीं समझा और मन ही मन विष्णु भगवान को याद करने लगे। क्रोध नहीं भालू पर राजा मानधाता को आया, पांव चबाता रहा है भालू उसे भी नहीं हटाया। किंतु पीड़ा सहन नहीं जब मानधाता को हुई, विष्णु जी से तब फरियाद है मानधाता ने की। हे विष्णु जी आकर के अब मेरे प्राण बचाए, ये भालू तो वन पशु कहीं मुझको खाना जाए। सुन फरियाद भक्त की विष्णु जी है स्वयं ही आए, और भालू पर अपना सुदर्शन उन्होंने दिया जलाए। प्राण पखेरू भालू के जिससे उड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं विष्णु जी के वराह रूप को जिसमें ध्याते हैं। हम कथा सुनाते हैं इस व्रत में इतनी शक्ति हो स्वर्ग लोक की प्राप्ति, इस व्रत में इतनी शक्ति हो स्वर्ग लोक की प्राप्ति। प्रिय भक्त जनों, कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, राजा मानधाता की पुकार सुनकर श्री विष्णु भगवान स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने अपने सुदर्शन से भालू का वध कर दिया। किंतु राजा मानधाता का आधा पांव भालू खा चुका था। राजा मानधाता पीड़ा से कराह रहे थे। तब विष्णु भगवान राजा मानधाता से कहने लगे, पाँव आपका है राजन भालू ने खाया है, किंतु उसने मेरे हाथों कर्मों का फल पाया है। और आपको सहन है करनी पड़ी जो पीड़ा है, ये फल आपके पिछले जन्म के कुछ कर्मों का है।
पर इस जन्म में आपने कोई पाप है नहीं कमाया। राज धर्म के साथ साथ मानव का धर्म निभाया और तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न भी बड़ा हुआ। स्वयं ही आकर भालू को भी मैंने दंड दिया। पुण्य पाप कर्मों के फल अपने सब पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विष्णु जी के वराह रूप को जिसमें ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति हो स्वर्ग लोक की प्राप्ति, इस व्रत में इतनी शक्ति हो स्वर्ग लोक की प्राप्ति। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे युधिष्ठिर, राजा मानधाता को विष्णु जी ने बताया कि हे राजन, भालू ने जो आपका पांव खाया वो आपके पिछले जन्म के कुछ कर्मों का फल था, किंतु इस जन्म में आपने सभी पुण्य कर्म किए हैं और भक्ति करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। अतः मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिससे आप संपूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। तुम्हें बताता हूँ मैं राजन ऐसा एक उपाय, अंग भंग भी जिससे आपका संपूर्ण हो जाए। मथुरा नगरी में जा कर के तुम तो निवास करो, विधि विधान से वरुथिनी एकादशी उपवास करो और वराह अवतार की मेरे मूर्ति स्थापित करना। विधि विधान से उसी अवतार का राजन नाम सुमिरना। वरुथिनी एकादशी व्रत का फल जो पाओगे संपूर्ण अंगों वाले राजन हो जाओगे। सुनकर राजा मानधाता उन्हें शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विष्णु जी के वराह रूप को जिसमें ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इतनी शक्ति हो स्वर्ग लोक की प्राप्ति, इस व्रत में इतनी शक्ति हो स्वर्ग लोक की प्राप्ति। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार स्वयं विष्णु भगवान ने राजा मानधाता को वरुथिनी एकादशी व्रत करने का उपाय बताया। राजा मानधाता ने उपाय सुनकर श्री विष्णु भगवान को शीश झुकाया और तुरंत मथुरा नगरी की ओर प्रस्थान कर गए। जब वरुथिनी एकादशी आई तो उन्होंने पूरे विधि विधान से व्रत किया। वरुथिनी एकादशी व्रत के फल से राजा मानधाता संपूर्ण अंगों वाले हो गए तथा अपने नगर में लौट आए। वहां आकर उन्होंने सभी एकादशियों के व्रत किया और अंत में विष्णु लोक को गए। हे युधिष्ठिर, ऐसा है वरुथिनी एकादशी व्रत का फल। श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने ये भक्तों सुनी कथा, प्रकट आभार युधिष्ठिर ने फिर उनका बड़ा किया। वरुथिनी एकादशी व्रत फिर पांडवों ने भी किया, पूजा पाठ के बाद सुनी है फिर तो यही कथा। वरुथिनी एकादशी व्रत है भक्तों जो करते हैं, श्रद्धा भाव से इसी कथा को भक्त वो सुनते हैं। व्रत कथा डीएस पाल ने कर दिया है वर्णन, श्रद्धा भाव से सुनता जिसको हंस राज रलहन। फौजी सुरेश भी सिमर शारदा लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विष्णु जी के वराह रूप को जिसमें ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत